पिछले साल जब ये दोनों टीमें एक दूसरे के आमने सामने थी तो खूब बवाल हुआ था। पहले विराट की लड़ाई हो गई थी नवीन उल हक के साथ, उसके बाद भिड़ गए थे विराट कोहली और लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर। अब इस बार तो भैया गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटोर है नहीं, लेकिन हाँ तेवर लखनऊ के वैसे ही है। मुकाबला होगा 2 तारीख को बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में। तो चलिए दोस्तों देर नहीं करते, फटाफट न्यूज व्यूज सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या खबरें दोनों ही टीमों के खेमे से निकल कर आ रही है। सबसे पहले बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की। लखनऊ के खेमे से पहली रिपोर्ट यही है दोस्तों कि डेविड विली जो कि आईपीएल से पहले ही बाहर हो गए थे, उनकी रिप्लेसमेंट फाइनली लखनऊ वालों ने घोषित कर दी है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज मैट हेनरी की एंट्री हो गई है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम में। हाँ अभी वो इंडिया आएंगे, वो टीम को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वो किस कैपेसिटी से उपलब्ध रहेंगे इस पर सवाल है। रिपोर्टेडली वो भारत तो आ चुके हैं लेकिन हो सकता है वो इस मैच के लिए अवेलेबल ना हो। इन पर फाइनल रिपोर्ट आपको आगे इसी वीडियो में मिल जाएगी, लेकिन मैट हेनरी की कैपेसिटी पर सवाल है, एंट्री उनकी हो गई है। तो भाई दूसरी भैया जो खबर निकल कर आ रही है वो केएल राहुल के हवाले से निकल कर आ रही है। आईपीएल से तुरंत पहले इंजर्ड हुए थे, इंजरी के बाद इनका लंदन में सर्जरी, इलाज भी चला, सर्जरी तक की बातें आई लेकिन सर्जरी हो नहीं पाई और उस रिकमेंडेशन जो डॉक्टर की इनको लंदन में मिली थी उसको लेकर आए इस आईपीएल में। बड़ी मुश्किल से बीसीसीआई ने इजाजत दी है आईपीएल खेलने की, इसीलिए पिछला मैच सिर्फ इंपैक्ट सब्स की कैपेसिटी में इन्होंने खेला, रिपोर्टेडली इस मैच में भी खेल सकते हैं। केएल राहुल को लेकर अगर कोई बड़ी खबर आ जाती है तो हम सबसे पहले हमारे टेलीग्राम पेज पर डाल देंगे। 270,000 लोग परिवार का हिस्सा है हमारे टेलीग्राम पेज पर, आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आपको मजा आ जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फ्री में ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों लिंक क्लिक कर और परिवार का हिस्सा बन जाइए, क्योंकि ना सिर्फ आईपीएल में, आईपीएल के बाद भी 24 घंटे 12 महीने आईपीएल का कवरेज हमारे चैनल पर चलता है और एक बड़ा गिव अवे होने वाला है, तो देर मत करो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। चलिए दोस्तों अब रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की बात कर लेते हैं। तो भैया आरसीबी के हवाले से कोई ऐसी मेजर अभी तक अपडेट आई नहीं है किसी भी खिलाड़ी के बाहर होने की इस मैच से, लेकिन कैमरन ग्रीन को लेकर एक खबर, एक इंटरव्यू वायरल हुआ है जो थोड़े से टेंशन को बढ़ाता है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम की। दोस्तों रिपोर्ट यह है कि जो ग्रीन का किडनी इशू चल रहा था, जिसकी रिपोर्ट जनवरी में आई थी कि भैया इनको किडनी इशू है, वो सस्टेन कर रहा है। इस समय वो एक स्ट्रिक्ट डाइट प्लान पर है, सर्टेन एक्सरसाइजेस भी वो नहीं कर पा रहे हैं, दैट्स व्हाई आपको कैमरन ग्रीन का वो अवतार नहीं दिख रहा है जो हमने पिछले साल के आईपीएल में देखा था। तो आरसीबी के लिए ये अब सचमुच टेंशन वाली बात है कि आपके पास बेशक वो कैमरन ग्रीन प्लेइंग 11 में खेलने के लिए उपलब्ध तो है लेकिन शायद वो उस ताकत, उस एनर्जी के साथ ना खेल पाए बिकॉज ऑफ द किडनी इशू। तो भैया ये तो खबरें थी जो दोनों ही खेमों से निकल कर आए हमने बता दी। अब प्लेइंग 11 देख लेते हैं, कैसी संभावित, कैसी शुरुआती 11 रहेगी दोनों ही टीमों की वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो भाई। आईपीएल की इसी तरह की न्यूज, अपडेट, खबरें, फैक्ट सब कुछ सबसे पहले देंगे और बड़े मैचों का मैच प्रीव्यू भी सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा तड़क भड़क के साथ। देर मत करो दोस्तों, सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट नहीं किया है तो कर दो, आपको मजा आ जाएगा, फिर बोल रहा हूं और बेल आइकन दबा लो। चलिए दोस्तों प्लेइंग 11 पर आते हैं और सबसे पहले फटाफट लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 देख लेते हैं इस मैच के लिए। बेशक लखनऊ की टीम अपना पिछला मैच जीत कर आ रही है इस मैच में, लेकिन क्या बदलाव हो सकते हैं, नवीन उल हक पर क्या है, वो सारी बातें अब हम प्लेइंग 11 में देखेंगे। डीकॉक और पड्डीकल ओपनिंग करेंगे, केएल राहुल इज नॉट देयर, मतलब साफ है कि इस मैच में भी केएल राहुल इंपैक्ट सब बनकर ही उतरेंगे और कप्तान के रूप में आपको मिडिल ऑर्डर में खेलते हुए फिर निकोलस पूरन नजर आएंगे। तो डीकॉक के साथ पड्डीकल की ओपनिंग, नंबर 3 पर स्टोइनिस, नंबर 4 पर पूरन और नंबर 5 पर आयुष बडोनी खेलेंगे। जैसा कि साफ है निकोलस पूरन ने पिछले मैच में भी कप्तानी की थी और रिपोर्टेडली भैया इस मैच में भी कप्तानी करते हुए दिखेंगे ऑन फील्ड। बात करें लोअर ऑर्डर की तो नंबर 6 पर कुणाल पांडे और नंबर 7 पर रवि बिश्नोई उतरेंगे। तो वही गेंदबाजी में बड़े बदलाव हो सकते हैं, नंबर 8 पर मोहसिन खान, नंबर 9 पर नवीन उल हक के स्थान पर शुरुआती 11 में शमार जोसफ की एंट्री और डेब्यू होता हुआ दिख सकता है, नंबर 10 पर दोस्तों मयंक यादव, नंबर 11 पर दोस्तों एम सिद्धार्था उतरेंगे। तो यादव साहब की एंट्री इनको बहुत ज्यादा ताकत दे गई है, पिछला मैच जिस तरह से इन्होंने पंजाब के खिलाफ गेंदबाजी की थी उसके बाद से लखनऊ वाले काफी टेंशन से मुक्त हो गए। इंपैक्ट प्लेयर रहेंगे केएल राहुल और नवीन उल हक। नवीन उल हक को लेकर पिछले मैच में भी इनके कोच का बयान आया था कि नवीन का फॉर्म शुरुआती 11 में देखा जा रहा है और पिछले मैच में नवीन उल हक नहीं चले थे, तो जाहिर है लखनऊ इस बार इस मैच में उनको इंपैक्ट प्लेयर के रूप में खिला सकती है।
ये शुरुआती 11 और ये इंपैक्ट प्लेयर का सेटअप लखनऊ सुपर जायंट्स के इस मैच में रहने वाला है। अब आप बताओ 10 में से कितनी रेटिंग दोगे आप लखनऊ की इस प्लेइंग 11 को। मेरे हिसाब से जो खबरें और अकॉर्डिंग टू मी ये प्लेइंग 11 इस मैच में आरसीबी जैसी टीम के खिलाफ रह सकती है। अब आगे बढ़ते हैं भैया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की बात कर लेते हैं। आरसीबी पिछला मैच हारी थी और जिस तरह से हारी थी आरसीबी वाले सोच रहे होंगे कि बदलाव तो करना पड़ेगा और एक 14 करोड़ का इनके पास खिलाड़ी बैठा हुआ जो परफॉर्म नहीं कर रहा है, जिसके बारे में बड़ी प्रेडिक्शन आईपीएल से पहले ही हो गई थी कि ये परफॉर्म नहीं करेगा, वैसे ही होता हुआ अभी तक दिखा है, उस पर एक गाज गिर सकती है। ओपनर के रूप में विराट फाफ डू प्लेसिस इस आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ओपनिंग का सेटअप इनके पास है। मिडल ऑर्डर में नंबर 3 पर ग्रीन, नंबर 4 पर पाटीदार और नंबर 5 पर ग्लेन मैक्सवेल उतरेंगे। कैमरन ग्रीन के साथ बेशक वो इशू चल रहा है लेकिन अभी भी उनकी कोई रिप्लेसमेंट है नहीं, दैट्स व्हाई 17.5 करोड़ रुपए इनको दिए। तो मिडल ऑर्डर का सेटअप अच्छा रहेगा, रजत पाटीदार से अब उम्मीद कर रही होगी आरसीबी की टीम, क्योंकि बेशक विराट कोहली ऊपर है लेकिन अगर आपका लोअर ऑर्डर मिडिल ऑर्डर अच्छा चलता है, एक दो खिलाड़ी इंडियन प्लेयर अच्छे चलते हैं तो विराट का जो साथ मिलेगा ना बहुत तगड़ा इनको कन्वर्ट कर देगा, 200 प्लस का आंकड़ा बना कर देगा। लोअर ऑर्डर में रावत और दिनेश कार्तिक उतरेंगे, इन दोनों का अच्छा फॉर्म अभी थोड़ा बहुत आरसीबी को थोड़ा टेंशन मुक्त रख रहा होगा। तो भाई गेंदबाजी की बात करें तो 8वें स्थान पर रीस टॉपली उतर सकते हैं, अलजारी जोसफ के स्थान पर, नंबर 9 पर डागर साहब, नंबर 10 पर शिराज, नंबर 11 पर यश दयाल उतरेंगे, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आकाश डीम और लोमरोर उतर सकते हैं। तो ये प्लेइंग 11 रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की रह सकती है। कनन शर्मा से पिछले 7 सालों में खूब उम्मीदें कई टीमों ने कर ली है, हालांकि इनके बारे में कहा जाता है कि जिस टीम में होते हैं वो टीम जीतती है लेकिन कुछ मामलों में ऐसा हुआ भी नहीं है। तो देखते भैया आरसीबी की ये प्लेइंग 11 रहने वाली है 10 में से रेटिंग, तो आप भी आरसीबी की प्लेइंग 11 को आपके हिसाब से कौन सी तगड़ी है बताओ कमेंट बॉक्स में, क्योंकि अब हम कंपैरिजन करेंगे, देखते हैं किस टीम को मिलते हैं कितने सितारे इस मैच में। अगर मैं कंपैरिजन में सबसे पहले कैप्टनसी कंपैरिजन की बात करूं तो एक तरफ है भैया लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान निकोलस पूरन, हो सकता है केएल राहुल भी आ जाए, कप्तानी ये दोनों मिलकर ही कर रहे हैं लेकिन केएल राहुल इस मैच में भी इंपैक्ट सब रह सकते हैं, तो भैया आरसीबी की कप्तानी फाफ डू प्लेसिस करेंगे। एट एनी डे भैया मैं फाफ डू प्लेसिस को स्टार दूंगा, क्योंकि चाहे वो निकोलस पूरन हो चाहे वो केएल राहुल हो, दोनों से बेटर है ऑन द पेपर ऑफ द पेपर फाफ डू प्लेसिस। इसका रीजन यह है कि साउथ अफ्रीका के हवाले से फाफ डू प्लेसिस ने खूब कप्तानी की है और एक लंबा अनुभव फाफ डू प्लेसिस का रहा है। तो भाई दूसरी तरफ अगर मैं केएल राहुल और निकोलस पूरन की बात करूं तो इन दोनों के पास अनुभव भी कम है और कप्तानी थोड़ी सी कह लेना कि थोड़ी सी फंसी हुई रही है, स्पेशली केएल राहुल जब से इंजरी से जूझ रहे हैं। बल्लेबाजी का कंपैरिजन कर लेते हैं, यहां तो हमने स्टार आरसीबी को दे दिया कप्तानी में, बल्लेबाजी में कौन आ गया यार? देखो दोनों ही टीमों की बैटिंग उठाकर देखोगे और इस साल का आईपीएल उठाकर देखोगे, जब आईपीएल शुरू नहीं हुआ था ना तो उससे पहले आपको बैटिंग कंपैरिजन सिर्फ कागज पर करने को मिलता था लेकिन अब दो तीन मैच सारी टीमों ने खेल लिए तो अब आपको पता लग रहा है कौन कितने पानी में है। अगर मैं आरसीबी की बात करूं, आरसीबी के लिए बल्लेबाजी विराट कोहली का दूसरा नाम है, विराट चलेंगे तो आरसीबी की बल्लेबाजी चलेगी, अदरवाइज आपको आरसीबी कोलैप्स करती हुई नजर आएगी और यह चीज अब बहुत एविडेंट है। तो विराट बहुत ज्यादा विराट का फॉर्म आरसीबी पर निर्भर है क्योंकि पाटीदार नहीं चल पा रहा है, मैक्सी रावत दिनेश कार्तिक थोड़ा सा भरोसा अभी तक तो उस तरह का दिखा नहीं है, तो आरसीबी की बल्लेबाजी विराट प्लेसिस पर बहुत निर्भर करेगी और बड़ा रन अगर बनाना है आरसीबी को तो विराट को। अगर दूसरी तरफ लखनऊ की बात करें तो भैया लखनऊ की भी कुछ ऐसी ही कहानी है, केएल राहुल और ऊपर से डीकॉक अगर चलेंगे तो नीचे से सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा, तो दोनों को एक एक स्टार मैंने यहां पर दिया है। बल्लेबाजी में अभी तक का जितना आईपीएल हुआ है मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी टीम आगे नहीं है, विराट का फॉर्म आरसीबी को बल दे रहा है, तो वही लखनऊ के भी डीकॉक केएल का जो परफॉर्मेंस आती है वो ठीक ठाक चल जाती है। अगर ऑलराउंडर्स की बात करूं यहां पर मुझे लगता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम आगे हो सकती है क्योंकि लखनऊ सुपर जायंट्स के पास मार्कस स्टोइनिस एक बड़े ऑलराउंडर है लेकिन आरसीबी के पास मैक्सी है, आरसीबी के पास ग्रीन है, तो ये दोनों मिलकर एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अगर टॉपली आते हैं तो वो भी थोड़ा बहुत बल्ला चला लेंगे, तो ऐसी स्थिति में मुझे दोनों लगभग बराबर लगती है लेकिन आरसीबी थोड़ी सी एक कदम बिकॉज ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ ग्लेन मैक्सवेल आगे निकल जाती है, तो ग्लेन मैक्सवेल होने के कारण हमने ऑलराउंडर्स में एक स्टार दिया है आरसीबी की टीम को। बात कर लेते दोस्तों अब तेज गेंदबाजी की, यार देखो ये जो पक्ष था ना ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का शुरू से ही कमजोर था और अब अलजारी जोशम ने स्टार्टिंग के 2-3 मैचों के बाद ये प्रूफ कर दिया है कि वो आईपीएल के लिए बने नहीं है क्योंकि अब तो आपके पक्ष में एक बहुत अच्छा बाउंसर रूल भी था, तो हो सकता है इस मैच में आपको अलजारी जोशम बाहर बैठे हुए नजर आए और ऐसी परिस्थिति में दोस्तों मेरे हिसाब से लखनऊ ओवर शेडो कर देगा आरसीबी की टीम को क्योंकि अब तो इनके पास लखनऊ के पास मयंक यादव का उदय हो गया है, शमार जोशम इस मैच में खेल सकते हैं, मोहसिन खान अच्छी गेंदबाजी तेज गेंदबाजी कर रहे हैं, तो
जबीन उल हक भी इनके पास है। तो तेज गेंदबाजी के मामले में अभी की स्थिति में मैं लखनऊ को एक स्टार दूंगा, आरसीबी को नहीं। आरसीबी के बारे में जो कहा जा रहा था आईपीएल की शुरुआत से पहले कि गेंदबाजी कमजोर है, स्टार्टिंग में नहीं दिखा, लेकिन अब कभी कभी थोड़ा थोड़ा वो दिखता है आपको कि यार गेंदबाजी में एक ऐसा होता वैसा होता, वो चीज है। तो बल्लेबाजी में तो भैया विराट के लिए लाइक कर दो आरसीबी के, लेकिन गेंदबाजी के लिए इनको काम करना था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। तो एक स्टार दोस्तों मैं यहां भी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को दूंगा, क्योंकि लखनऊ के पास है कृणाल पंड्या जो कि इंटरनेशनल खेल चुके हैं, रवि बिश्नोई भी इंटरनेशनल खेल चुके हैं। तो लखनऊ के पास वो इंटरनेशनल स्पिनर्स हैं एज कंपेयर टू आरसीबी, जिनके पास तो स्पिनर्स का नामो निशान नहीं है। तो जाहिर है कि वो मैक्सवेल पर बहुत ज्यादा निर्भरता आरसीबी की दिखती है, और मयंक डागर से बहुत ज्यादा आप उम्मीद कर नहीं सकते। करण शर्मा ने क्या किया पिछले 5 साल में ये भी सबको पता है। तो जाहिर है कि वहां भी वो एक स्टार लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को जाता है। अब करेंगे दोस्तों मेरी पिक क्या है कंपैरिजन में, मेरा स्टार जो एक है जो अभी तक हमने देखा है उस हिसाब से। तो मेरी राय यह है, अगर मैं दोनों ही टीमों को कागज पर एक दूसरे के आमने सामने रखता हूं, तो मैं एक स्टार अपना आरसीबी को दूंगा। मुझे ऐसा लगता है बेशक आरसीबी अपना पिछला मैच हार गई हो, लेकिन आरसीबी अगर थोड़ा सा एफर्ट करती तो पिछला मैच भी जीतती, तो वो एफर्ट की कहानी है। और अगर आप कंपेयर करते हो आईपीएल के पटल पर बेंगलोर की पिच पर, एक स्टार मैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को दूंगा, लखनऊ को नहीं। 4 स्टार मिल गए आरसीबी को कंपेरिजन में, 3 स्टार मिल गए लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को। अब मेरा क्या ओपिनियन है इस मैच को लेकर वो भी देख लेते हैं दोस्तों। बड़ा काटे का मैच हो सकता है, काटे का मैच इन द सेंस कि जब आप कागज पर दोनों ही टीमों को एक दूसरे के आमने सामने देखते हो और इस आईपीएल का फॉर्म देखते हो, तो आपको ये चीज समझ में आती है कि कोई भी एक से आगे नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार एक टीम दूसरे को बिल्कुल शैडो में डाल रही है, दोनों ही टीमें आपको नेक टू नेक फाइट देती हुई नजर आएगी। मसलन अगर आप सबसे पहले ओपनर्स की बात करोगे तो विराट और प्लेसेस है आरसीबी के पास, तो लखनऊ के पास भी डीकॉक और पड्डीकल है, और केएल राहुल भी इंपैक्ट प्लेयर है। मिडिल ऑर्डर में भी ग्रीन पाटीदार एक तरफ है, मैक्सवेल एक तरफ है, तो स्टोइनिस पूरन एक तरफ है आपके पास। लोअर ऑर्डर में भी रावत और दिनेश कार्तिक है, तो दूसरी तरफ भी भैया कृणाल पंड्या और रवि बिश्नोई है। मतलब आप किसी भी पक्ष में आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यार आरसीबी बहुत अच्छी है या लखनऊ बहुत अच्छी है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि गेंदबाजी लखनऊ की बेटर है, लखनऊ के पास चाहे वो स्पिनर्स हो चाहे वो पेसर्स हो बेटर है एज कंपेयर टू रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम। तो सीधी कहानी मुझे ऐसा समझ में आया है कि अगर आरसीबी को इस मैच को जीतना है ना, तो विराट प्लेसेस को चलना पड़ेगा और एक बड़ा स्कोर लगाना पड़ेगा या एक बड़ा स्कोर चेस करना पड़ेगा। अगर बड़ा स्कोर लखनऊ लगा देती है तो उसे चेस करना पड़ेगा, आरसीबी अपनी गेंदबाजी के भरोसे नहीं रह सकती। दूसरी तरफ अगर लखनऊ को जीतना है इस मैच को, तो विराट और प्लेसेस को रोकना होगा और अपनी बल्लेबाजी को थोड़ा सा पुश करवाना होगा। तो मेरे हिसाब से प्रेडिक्शन अब देख लेते हैं, ओपिनियन आपने देख लिया। मेरी पहली प्रेडिक्शन दोस्तों इस मैच से पहले यही है कि आरसीबी की टीम इस मैच को जीत सकती है। मेरे अनुसार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम को इस मैच को जीतना चाहिए, नेक टू नेक फाइट हो सकती है। बाकी थोड़ा दिल भी साथ रहता है आरसीबी का जब मैच होता है, बंबई का जब मैच होता है, चेन्नई का मैच होता है, तो थोड़ा जो हमारे लिविंग लेजेंड है ना रोहित विराट इनकी तरफ, थोड़ी महेंद्र सिंह धोनी इनकी तरफ झुकाव आ जाता है, आरसीबी जीतेगी। दूसरा प्रिडिक्शन दोस्तों ये है कि विराट या केएल राहुल, या तो ये दोनों या इन दोनों में से कोई एक 50 प्लस का आंकड़ा लगाएगा। और तीसरी प्रिडिक्शन ये है कि हाई स्कोरिंग गेम रहेगा, यहाँ पर 180 से ज़्यादा रन बनने वाले हैं। तो ये थी हमारी 3 प्रिडिक्शन कंपैरिजन प्लेइंग 11। अब आप बताओ कमेंट बॉक्स में आपके हिसाब से कौन इस मैच को जीतने वाला है, अपनी राय कारण सब कुछ कमेंट बॉक्स में लिख लो। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम के लिंक नीचे, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे, फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।